अंदर घुसो अंदर थोड़ा सा। हाँ ऊपर जाओ, ऊपर चढ़ो केबिन के पीछे। हाँ इधर इधर क्या नाम है सर आपका? विपिन जायसवाल, मैं आर्यन फाइनेंस रोड बड़ी पीछे से। सर जो आप वाहन चला रहे हैं तो ये वाहन कहाँ कहाँ चल रही हैं? वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के जो आसपास के शहर हैं जैसे बरेली से कौशाम्बी जा रही हैं, लखनऊ जा रही हैं, कानपुर जा रही हैं, पीलीभीत, बदायूं और यूपी स्टेट के अंदर ही बसों का संचालन किया जा रहा है। अभी सरकार द्वारा स्टेट के बाहर जो है बसों के संचालन की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। सर चालक परिचालक की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं आप? चालकों परिचालकों को 500 ml की जो है सैनिटाइजर की शीशी चालक परिचालक को दी जाएगी जिससे वो यात्रियों को सैनिटाइज हाथ उनका कराते हुए तब उनको बस अनुमति परेशानी की। और थर्मल स्कैनिंग स्टेशन पर प्रवेश करते समय ही थर्मल स्कैनिंग होकर के बस स्टेशन के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है यात्रियों को। और चालक परिचालक मास्क लगाकर हैंडबैग लगा करके रूट पर जा रहे हैं। सर कितने चालक चल रहे हैं वर्तमान में? जो है अभी संचालन जो है लगभग आधा चल रहा है क्योंकि यात्रियों के अभी उतने निकल नहीं रहे, यात्री कम आ रहे हैं। तो जो हमारी 650 लगभग बसें हैं पूरे बरेली क्षेत्र में तो लगभग जो है 250 बसें 300 बसें लगभग देखिए संचालित हो रही है। पैसेंजर कितने हो रहे हैं लगभग? यात्री तो अभी लगभग जो है इसमें लगभग 30-40% जो यात्री ही जो उसमें निर्धारित सीटें हैं उससे 30-40% ही जो है उसमें यात्री यात्रा कर रहे हैं तो अभी यात्री काफ़ी कम निकल रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए ही काम हो रहा है सारा? हाँ स्टैंडिंग जो है सवारी नहीं जा रही है और बस अड्डे पर ही जितनी सवारियाँ बैठती हैं वही सवारियाँ हैं, बीच से बैठाने की अनुमति नहीं क्योंकि बस अड्डे पर जो जितने यात्री आ रहे हैं उनको प्रॉपर चेक करके उनकी थर्मल स्कैनिंग करके ही अलाउ किया जा रहा है बसों में यात्रा करने का। तो बीच से सवारी जो है सीधे बस स्टेशन से बस स्टेशन ही सवारियाँ उठाई जा रही है, बीच से जो कहीं यात्री जो है नहीं उठाए जा रहे हैं। ठीक।